तृणमूल कांग्रेस की नेता और सांसद सुष्मिता देव पर आज त्रिपुरा में हमला हुआ है। जी हां, इस वक्त ये एक बड़ी खबर। इस हमले के दौरान उनकी कार में तोड़फोड़ की गई है। हमले में तृणमूल कांग्रेस सांसद सुष्मिता देव घायल हो गई है। सांसद ने इस हमले पर सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी का हाथ होने का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि इस हमले के पीछे भाजपा का हाथ है। जी हां, सुष्मिता देव पर जिस समय हमला हुआ उस दौरान पॉलिटिकल पब्लिक रिलेशंस एवं सलाहकार फर्म इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी आईपैक के कर्मचारी भी वहां मौजूद थे। घटना में वे भी घायल हुए हैं। उधर टीएमसी की त्रिपुरा इकाई ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए न्याय की मांग की है। तृणमूल कांग्रेस के त्रिपुरा इकाई ने ट्वीट किया कि त्रिपुरा की जनता इस बर्बर हमले का करारा जवाब देगी। ट्वीट में पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाया गया है। टीएमसी ने ट्वीट कर कहा कि पुलिस को दर्शक बनकर काम करना तुरंत बंद कर देना चाहिए। कानून व्यवस्था को इस तरह का पतन अस्वीकार्य है। और उधर घटना में घायल एक टीएमसी कार्यकर्ता ने भी घटना को लेकर अपनी प्रतिक्रिया जताई है। आज की हमरा संगठन प्रचार करते बेरिये छिलाम শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রেখে, কিন্তু আমাদের প্রচুর ভাবে মারধর, এমনকি মেয়েদেরও ওরা ছাড়েনি। রাস্তা থেকে লাঠি নিয়ে ওরা আমাদেরকে পায়ে পিঠে যেরকম ভাবে পেরেছে মেরেছে। আমরা কোনো রকমে বাঁচার চেষ্টা করলে আশেপাশের লোকজন দোকানপাট কেউ সহায়তা করেনি আমাদের। যেখানে ঘটনা হয়েছিল ওখানে কি কোনো পুলিশ কর্মী ছিল না? ছিলেন, ওখানে সিআরপিএফরাও ছিলেন। আমাদেরকে যখন দুজন মেয়েদেরকে মেরেছে তখনও সিআরপিএফটা ছিলেন, কিছু করেনি। আমরা ওখান থেকে পালিয়ে যেতে চাইছিলাম, দৌড়ে যাচ্ছিলাম, আমাদেরকে পায়ে হিচড়ে মেরেছে। ওনার পিঠে আমার পায়ে, বা পায়ে 15 জনের মতো ছিলাম স্পটে। তারপর শেষ পর্যন্ত 15 জন তো যে রকম ভাবে মেরেছে পেরেছে মেরেছে। মারার পর আমরা দুজন মহিলা আলাদা হই, ওখান থেকে কোনো রকম ভাবে বেঁচে পালিয়ে কোনো রকম একটা অটো ধরি। ওই অটো ধরে কোনো রকমে অটোওয়ালা আমাদেরকে বলছে আমাদেরকে নিয়ে আসবে না, আপনারা দলের লোক। তার জন্য এইভাবে, এটা একটা গণতান্ত্রিক রাজ্য, তো গণতান্ত্রিক দেশে আমরা আছি। হ্যাঁ, আমরা তো সবার জন্যই করছি না, সবার ভালোর জন্যই করছি, একার জন্য তো করছি না। আপনারা জাগুন, সচেতন হন, আমাদের আশা ভরসা আপনাদেরকে নিয়েই, আপনারা পাশে থাকবেন, এটাই আমাদের আশা। यहां बता दें कि सुष्मिता देव अपनी पार्टी टीएमसी के प्रचार अभियान त्रिपुरा जन्नो तृणमूल या त्रिपुरा के लिए तृणमूल शुरू करने के सिलसिले में त्रिपुरा में है। गौर करने वाली बात है कि त्रिपुरा में राजनीतिक हिंसा की वारदातों में कमी नहीं देखी जा रही है। यहां आए दिन भाजपा टीएमसी में झड़प देखी जाती है। और इस बड़ी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार पिनाकी दास। जी पिनाकी, सुष्मिता देव पर त्रिपुरा में हमला हुआ है, इस दौरान उनकी कार में तोड़फोड़ भी की गई है। इस वक्त की वाकई एक बड़ी खबर है, क्या ताजा जानकारी है आपके पास इस बारे में? देखिए, टीएमसी आज से ही शुरू किया था ये जनसंपर्क उनका, और 2 तारीख वो लेके ये लोग गए थे अगरतला से जस्ट नजदीक में ही आमतली मार्केट, और वहाँ पे जनसंपर्क का काम वहाँ पे चल रहा था। और जहाँ तक पता चला सुष्मिता देव के साथ बात करते हुए कि अचानक कुछ लोग आके वहाँ पे गूंज आके उनके गाड़ियों के ऊपर अटैक हुए। और डिवाइडर जो होते हैं वो एकदम नेशनल हाईवे पे ही है, और वहाँ पे डिवाइडर लेके उनके गाड़ियों दोनों गाड़ी का बहुत ही बुरी तरह से वहाँ पे अटैक हुआ है, वहाँ पे इंजर्स भी हुए हैं। और सुष्मिता देव का यही एलिगेशन रूलिंग बीजेपी के ऊपर है, और उन्होंने ये आरोप लगाया कि इसके पीछे डायरेक्ट मदद है बीजेपी के। और उनके पक्ष में उन्होंने ये बोला कि जो गूंज आए हुए थे वो लोग अपने इतना कॉन्फिडेंस है उनके उनका कि उन्होंने अपना मुंह भी नहीं ढाका। जनरली कुछ ऐसे अटैक, पॉलिटिकल अटैक होने से जनरली अपने फेस कवर कर लेते हैं, पर ये लोग जो आए हुए थे वो लोग अपने फेस कवर भी नहीं किए, इतना कॉन्फिडेंस उन लोगों का है कि, और या सपोर्ट है रूलिंग पार्टी की, जो आरोप उन्होंने लगाया। और पुलिस की तरफ से ये कहा गया कि ये जो टीएमसी का जो यहाँ पे जनसंपर्क का प्रोग्राम था इसके बारे में पुलिस को
एडवांस कोई खबर नहीं था, तो अगर खबर होता तो ये लोग उस तरह से प्रिक्वेशन जो भी है वो लेते हैं। पुलिस का ये आरोप है कि एडवांस उन्होंने कुछ बताया नहीं गया उन लोगों को, उनको जब मौके इंसिडेंट के बाद खबर मिला तुरंत पुलिस वहां पे कार्रवाई के लिए और रेस्क्यू के लिए गई। जी पिनाकी, और जैसा कि आपने बताया कि सांसद ने हमले के पीछे सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी का हाथ होने का आरोप लगाया है, तो क्या भाजपा की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? अभी तक भाजपा की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आया, क्योंकि उसी टाइम यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था, मुख्यमंत्री खुद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे बीजेपी ऑफिस में, तो हम लोगों को मौका नहीं मिला बीजेपी के, हम लोग वहाँ पे पहुंचते पहुंचते वापस आके कुछ अभी तक मिला नहीं। पर ये खबर है कि सुष्मिता देव फिलहाल यहाँ के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में गए हैं, उनका हाथ में रिस्ट में कुछ चोट है तो एक्सरे करवाने गए हैं, और उन्होंने ये आरोप लगाया कि उनका जो मोबाइल था वो छीन लिया गया था, और उनके दोनों गाड़ी जो आज ही लॉन्च किए थे चुनाव मुझे, दोनों गाड़ी को सिर्फ तोड़ा नहीं गया, उसका जो फ्यूल टैंक है फ्यूल टैंक में नमक डाल दिया गया ताकि इंजन कलाप्स करे, ऐसे आरोप लगाया। और इन्होंने बोला कि सुष्मिता ने ये भी बोला कि जो भी कर ले एक चीज तो प्रमाण होता है कि सीपीएम अपोजिशन नहीं है त्रिपुरा में, तृणमूल अपोजिशन है, और तृणमूल को किस तरह से रोका नहीं जा सकता है। जी पिनाकी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए।